नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। सोयाबीन की कीमत स्थिर रह सकती है क्योंकि सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी के आसार नहीं है। दूसरी तरफ रबी सीजन के चने को अच्छा रेट मिल रहा है, चने का भाव 5,000 रुपए हो गया है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद मील वालों की मांग कमजोर होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना एवलूज कीमतों में मामूली गिरावट आई है, जबकि बाकी सभी खाद्य तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे हैं। पंजाब सहित कई राज्यों के किसान खेतों में गेहूं के डंडल नहीं जला रहे हैं। वहीं पशु चारा की कमी और भूसा की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसान फसल अवशेष को जलाने से बच रहे हैं। इस सीजन में भूसे की कीमत में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है और ये 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। रत्नाभूषण निर्यात में 2021-22 में तेजी आई है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये करीब 55% बढ़कर 39.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। घरेलू वायदा एमसीएक्स पर 594 का रिकॉर्ड हाई लगने के बाद नेचुरल गैस में ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। नेचुरल गैस का भाव 7 डॉलर के नीचे आया है। आज WTI कच्चे तेल $102 और ब्रेंट $160 पर कारोबार करते हुए दिखाई दिया है। घरेलू बाजार पर MCX पर भी कच्चा तेल 7,800 के करीब लाल निशान पर कारोबार कर रहा था। देश में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन किसान आंदोलन की धुरी रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की चर्चा कुछ कम दिख रही है। वहीं किसान इस बार गेहूं पर MSP का नाम तक नहीं ले रहे हैं। गेहूं के किसानों के लिए ये मौका करीब 2 दशक बाद आया है। पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और ये मार्च में ऐतिहासिक ऊंचाई पर आ गई है। बीते महीने यानी मार्च में श्रीलंका में महंगाई दर 21.5% की रिकॉर्ड हाई लेवल पर आ गई है। भारत का गैर बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 20,925 लाख डॉलर से 109% बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 60,115 लाख डॉलर हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट दोगुना कर रहा है। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां अब पब्लिक टेंडर के जरिए रूस से तेल खरीदने की जगह निजी स्तर पर डील करने का प्रयास कर रही हैं ताकि कम दाम पर सप्लाई हो सके। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।